जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखट सुहानी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अपन ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पता है आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है साइंस एक्सपेरिमेंट पार्ट टू। सो फ्रेंड्स, मैंने पार्ट वन बनाया था, जो कि था मेरा फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो मुझे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, अरे दीदी आपने तो बस एक ही एक्सपेरिमेंट किया, थोड़े से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स लाओ ना, हमें बहुत मज़ा आएगा देखने में। चलो, मैंने सोचा कि चलो हम लोग पार्ट टू बना लेते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी 4 एक्सपेरिमेंट्स, पर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मैं पार्ट 3 पार्ट 4 में ऐसे कंटिन्यू रखूँगी। ओके, तो आज हम लोग बनाएंगे पार्ट 2। तो मैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करूँगी आपको पता है? चलो मैं बोलती हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करूँगी अंडर वाटर वोल्केनो एंड कलरफुल ज्वेल्स, स्ट्रिंगी नूडल्स एंड मैजिक मार्बल्स। तो मैं ये 4 एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। तो हमारे पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है अंडर वाटर वोल्केनो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें इक्विपमेंट लगा है। तो पहले हमें लगा है साइट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, मेजरिंग सिलेंडर, स्टीयरिंग स्टिक, फनल, ट्यूब, 1 स्कूप, रेड कलर, वेजिटेबल ऑयल एंड वाटर। तो चलिए अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये ट्यूब लेना है, हम लोग कैप निकाल देते हैं इसका एंड ऐसे रखते हैं। एंड नेक्स्ट हमें मेजरिंग सिलेंडर में 10 ml वाटर डालना है। तो मैं डालती हूँ 10 ml वाटर। तो हम लोग 10 ml वाटर डाल देते हैं और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें 2 ड्रॉप्स ऑफ रेड कलर डालना है। तो डाल देते हैं हम लोग। अभी मैं स्टीयरिंग स्टिक से इसे मिक्स करूँगी। तो अब मैंने इसे मिक्स कर दिया है एंड अभी हमें क्या करना है, इसमें 1/2 स्कूप ऑफ बेकिंग सोडा डालना है। तो डालते हैं हम लोग, फनल के हेल्प से हम लोग डालेंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा, अभी हम इसे थोड़ा मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद में हमें 20 ml वेजिटेबल ऑयल डालना है। तो पहले मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है, हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो अभी हमें इसके अंदर डालना है वेजिटेबल ऑयल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 ml ऑयल डाल दिया है, देख सकते हो। और अभी हमें क्या करना है, ओके, इसमें हमें साइट्रिक एसिड डालना है 1.5 स्कूप। तो चलिए डालते हैं। हमें और भी थोड़ा डाल, ओह माय गॉड, ये तो ऊपर से पानी आ रहा है बबल्स। हम लोग इसमें और भी थोड़ा डालना है, लिखा हुआ है, हम लोग डालते हैं। तो वोल्केनो हो गया। वाह, हम लोग और थोड़ा डालेंगे, इधर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना क्यूट हो रहा है, देखिए बबल्स आ रहा है यहाँ पे रेड कलर का। वाह, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है। और यहाँ पे और पानी आ चुका है नीचे, जैसे माउंटेन से वोल्केनो निकल रहा है, देखिए। वाह, और फिर सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का, देखिए ऑयल और पानी अलग अलग हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अरे अभी तक बबल्स आते ही रह रहा है। वाह, ये तो एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लगा ना, आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ। चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, तो मैंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, जो था वोल्केनो एक्सपेरिमेंट, तो उसमें मैंने थोड़ा गलती से 1/2 स्कूप हमें डालना था बेकिंग सोडा, पर मैंने फुल, मतलब 1 स्कूप मैंने डाल दिया। तो सॉरी सो मच, आप बिल्कुल मत डालना, आप हाफ ही डालना अगर आप कर रहे हो, आई एम सो मच सॉरी। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड हम एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम है कलरफुल ज्वेल्स। तो नाम सुनते सुनते लग रहा है ना क्या होगा, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स लगा है। तो पहले हमें लगेगा क्रिस्टल पाउडर एंड ब्लू कलर एंड रेड कलर, एंड देन 2 बाउल्स, 1 मेजरिंग सिलेंडर, 1 स्टीयरिंग स्टिक,
वन स्पून एंड वन ग्लास ऑफ वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। मैं इसे साइड में रख लेती हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो थोड़ा सा खाली खाली रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमें एक बाउल लेना है एंड हमें 15 ml वाटर डालना है। तो मैं इसमें वाटर डाल देती हूँ, फिर इसमें डालूंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे 15 ml वाटर ले लिया है, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे 2 ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर यानी सॉरी रेड कलर डालना है। तो डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया, अभी हम लोग इसे मिक्स करेंगे। मिक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें डालना है 1/2 स्पून ऑफ क्रिस्टल पाउडर। ये है हमारा क्रिस्टल पाउडर, तो चलिए डालते हैं। थोड़ा सा डालना है 1/2। तो यहाँ मैंने क्रिस्टल पाउडर डाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसे 5 to 10 minutes हमें इसे साइड में रख देना है। और देन हमें नेक्स्ट और एक एक बाउल लेना है एंड सेम प्रोसेस करना है, बट हम लोग और कोई कलर डालेंगे, ठीक है। वैसे हमें इसमें बस पानी में डिफरेंस है, यानी हमें 50 ml वाटर डालना है इसमें। तो इसमें तो 25 ml है, हम तो दो दो बार डालेंगे। तो ये 25 ml और 25 ml डाल देते हैं और 25 ml एंड ये 50 ml बन गया। एंड देन हम लोग इसे क्या करेंगे, मेजिंग सिलेंडर पोर इनटू द सेकंड कप। ओके, तो हमें इसमें ब्लू कलर मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है ब्लू कलर एंड ऐसे सेम टू सेम मिक्स। एंड तो हमें डालना है अभी क्रिस्टल पाउडर, तो 1/2 स्पून। तो और थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है, देन हमें इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। एंड इसे भी हमें 5 to 10 minutes तक ऐसे ही लीव कर देना है एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या बनेगा ये। फ्रेंड्स, अभी फाइनल 10 minutes हो गया है और हमारा स्क्वेशी एंड जिगली देखिए बन गया है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें एक एक्सपेरिमेंट की बात है कि आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स कि ब्लू क्रिस्टल्स थोड़ा साइज में बिग है जितना रेड से। देखिए, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखो ब्लू देखिए कितना बड़ा बड़ा है एंड रेड देखिए ब्लू से कितना स्मॉल है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैं आपको थोड़ा हाथ में भी दिखा देती हूँ। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। ओह माय गॉड, आपको दिखा दी इधर आ जाइए। वाओ फ्रेंड्स, मुझे अपना ही एक कुछ करना है। मैं दोनों को थोड़ा मिक्स करूँ फिर देखते क्या होगा। मुझे थोड़ा मिक्स करना है। मिक्स करते देखिए, ये तो मिक्सिंग जेली बन गया। ओह माय गॉड। ओके, देखिए अब मैं ना इसके साथ बहुत खेलूंगी पर ज्यादा नहीं खेलूंगी। इसके थोड़ी देर ही खेलना फिर रख देना। तो यहाँ मैं साइड में रख लेती हूँ और हम लोग चल देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है स्ट्रिंगी नूडल्स। तो चलिए देखते हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगा है, चल देखें। तो पहला चीज हमें चाहिए स्क्वीजी बॉटल, एक फनल, एक स्कूप, एक मेजरिंग सिलेंडर, 2 bowls, एक मैजिक पाउडर, एक जेल पाउडर एंड लास्ट में एक येलो कलर। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें इक्विपमेंट्स हमें पैक के अंदर मिला था, पर हमने हमारे घर से बस एक हॉट वाटर लिया है और एक स्पून लिया है बस। तो चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बुक पढ़ते पढ़ते करूँगी, तो चलिए करते हैं। तो पहले हमें एक बाउल लेना है एंड मैंने यहाँ पे पहले से 25 ml वाटर मेजर कर लिया था, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। एंड देन हमें क्या करना है, 1/2 स्पून ऑफ
जेल पाउडर डालना है। तो चलो अभी हम लोग डालते हैं जेल पाउडर, वो भी हाफ स्कूप। बस एंड अभी हम लोग डालेंगे वाटर मिक्स वेल। ओके, अभी हमें इसे थोड़ा सा मिक्स अच्छे से करना है स्पून की हेल्प से। बस तो हमने इसे मिक्स कर दिया है एंड देन हम लोग 2 ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर डालेंगे। इधर कौन सा भी कलर डालना है, बट इसी नूडल्स की तरह से तो मुझे लगा कि मैं येलो कलर ही डालूं, तो या मैं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गरम वाटर एंड जेल पाउडर एंड येलो कलर डाल दिया है। तो हमें क्या करना है, इसे 5 to 10 मिनट्स मिक्स करना है एंड साइड में रख देना है। तो ये क्या बनेगा, पेस्ट बन जाएगा। ओके, एंड ये पेस्ट बनने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे। तो चलिए हम लोग इसे 5 to 10 मिनट्स ऐसे मिक्स करके साइड में रख देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 to 10 मिनट्स ऐसे कंटिन्यूसली मिक्स किया और देख सकते हो आप यहाँ पे देखिए पेस्ट बन गया है। एंड अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें 10 ml वाटर डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो गया है थोड़ा सा इसका, तो हमें थोड़ा सा वाटर डालना है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने 10 ml वाटर ले लिया है, तो चलिए डाल देते हैं इसमें और इसे हमें थोड़ा सा मिक्स करना है एंड ये स्क्वीजी बॉटल के अंदर ये डालना है वो भी फनल के हेल्प से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जेल बहुत ही मुश्किल से इसके अंदर डाल दिया है, तो आप देख सकते हो। एंड अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर का ढक्कन ऐसे लगा देना, प्रेस कर देना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक बाउल में वाटर लेना है। तो यहाँ पे कोई मेजरिंग नॉर्मल मैंने वाटर लिया है, ना कि कोई हॉट वाटर लिया है। एंड यहाँ पे मेजरिंग नहीं दिया गया था कि कितने हिसाब से वाटर डालना है, तो मैंने आधा कप से ज़्यादा डालना है। एंड अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है मैजिक पाउडर। तो चलिए डालते हैं, हमें यहाँ पे डालना है हाफ स्कूप ऑफ मैजिक पाउडर। तो यहाँ मैंने हाफ स्कूप ऑफ मैजिक पाउडर डाल दिया है एंड इसमें हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। एंड देन हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया था इसके ऊपर जो जेल, हमें इसके अंदर डालना है। तो चलिए डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा डाल दिया और ये पूरा नूडल्स जैसा लग रहा है, देखिए। ओह माय गॉड, और ये येलो कलर का है, देखिए मैं आपको दिखा दी चम्मच से थोड़ा सा। इसमें लिखा है कि हमें क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है, देन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। देख सकती है कितना क्यूट है, माय गॉड। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था और देखिए हमारा नूडल्स बन गया है। माय गॉड, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर मैं सीरियल में खाऊंगी नहीं यार। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि 4th एक्सपेरिमेंट कहाँ है, दिखाओ। फ्रेंड्स तो मैं ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। मैंने आपको बोला था 4 एक्सपेरिमेंट्स करूँगी, बट आप बिल्कुल सैड मत होइए, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। पार्ट 3 पार्ट 4 लाऊंगी ना मैं, हाँ लाऊंगी। तो आज मैंने बस 3 एक्सपेरिमेंट्स किया, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो सॉरी मैं पार्ट 3 पार्ट 4 लाऊंगी। एंड फ्रेंड्स मैं अभी एंड कर रही हूँ एंड मैंने जो 3 एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड ये मेरा सबसे मेरा फेवरेट लगा, और लास्ट वाला जो नूडल्स था ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड फ्रेंड्स चलो अभी हम लोग एंडिंग करते हैं। आप जो डेली करते हो यानी कर देना लाइक एंड शेयर, एंड फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरे न्यू अपडेट वीडियोस आपके तक जल्दी से पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।